बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एरेज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक क्लास लिया हमने, क्लास का नाम है प्रोग्राम। उसके अंदर पब्लिक ये स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है जी, और इसमें हमने फर्स्ट जो सिलेक्टेड लाइन है, तो इस लाइन में हमने इंट एरे इंटीजर एरे ए के नाम से डिक्लेयर की है, और इसमें इस वैल्यूज़ भी इनिशलाइज कर दी हैं। ये 10, 20, 30, 40, 50 से हमने ये एरे इनिशलाइज भी कर दी है, तो एरे भी बन जाएगी और साथ में इसकी वैल्यूज़ भी इनिशलाइज हो रहे हैं। दूसरे स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे एक और एरे बनाई है, ये इंट बी के नाम से एरे है ये देखें, और इसको भी हमने वैल्यू से इनिशियलाइजेशन इसकी कर दी है 60, 70, 80, 90 और 100। अब इस स्टेटमेंट में हमने फॉर लूप लगाया है, जिसमें इंट एक्स के नाम से वेरिएबल है जिसको जीरो से इनिशियलाइज किया गया है। एक्स इज़ लेस देन ए डॉट लेंथ, तो ए डॉट लेंथ हमें ये जो 5 एलिमेंट्स है तो 5 रिटर्न कर देगा, तो ये 4 तक ये चलेगा, तो 0 से 4 तक इट मींस कि 5 टाइम्स ये लूप चलेगा। तो फर्स्ट टाइम ये 0 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है तो नीचे आ जाएगा, और कंसोल डॉट राइट लाइन ए ऑफ एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ए ऑफ एक्स की वैल्यू है 10 प्लस, ये कंकैटेनेशन के लिए है, ये प्लस कंकैटेनेशन के लिए है, और ये स्ट्रिंग में हमें ये प्लस प्रिंट हो जाएगा, और फिर हम कंकैटेनेट कर रहे हैं बी ऑफ एक्स एरे को, तो बी ऑफ एक्स में 60 है, 60 प्रिंट हो जाएगा, और फिर ये हम कंकैटेनेट कर रहे हैं ये स्ट्रिंग ये इक्वल के साथ, तो ये प्लस जो है ये कंकैटेनेट कर रहे हैं स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ। तो ये देखिए बी ऑफ एक्स की वैल्यू 60 प्रिंट हो गई है, फिर हम कंकैटेनेट कर रहे हैं ए ऑफ एक्स और बी ऑफ एक्स, तो ए ऑफ एक्स की वैल्यू 10 और बी ऑफ एक्स की वैल्यू 60 है, दोनों ऐड हो के रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। इस तरह से लूप चलेगा, और ये 10 और 60, 20 और 70, 30 और 80 और ये सारे ऐड हो जाएंगे। इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखें 10 प्लस 60 70, 20 प्लस 70 90, और ये इस तरह से अगर आप देखें आउटपुट तो 40 प्लस 90 130, और ये वैल्यूज़ जो है ऐड हो गई हैं।